आप प्रशन पूछो वो अपने विधायक हो, वो बिल्कुल सही बात है, आपको हक है, आप लोग आप ही पूछना चाहिए। अब पर कुछ प्रश्न ऐसा हाँ जो यह समाज में हम सबने अपने आप से भी पूछना चाहिए। पहली बात, अगर हमें समाज आगे बढ़ानो है, अगर हमने मेवात आगे बढ़ानो है, आप एक फोकस करना पड़ेगा शिक्षा पे। तुम्हारा जितेक बच्चा हाँ, तुम्हारी जितेक बेटी हाँ, सबने पढ़ाओ, सुविधा दमल्लू उपलब्ध है, हर पंचायत में आज की तारीख में 12वीं तक को स्कूल मिल जाएगा आप सरकारी स्कूल। अगर सरकारी स्कूल से पार ना पड़े तो तुम्हारे भी बुतेरा पैसा प्राइवेट पढ़ाओ। पढ़ाई पे फोकस रखो, गैर कानून पे सो हटो। जा बात है आजकल लोग कहा कि रोजगार की दिक्कत है, यूथ में रोजगार की दिक्कत है, कैसे ना हासिल यूथ में रोजगार की दिक्कत, कितने एक आदमी इनके पे 12वीं तक को सर्टिफिकेट है। वो अगर तुम नौकरी पाना चाहो तो वाके काबिल बनना पड़ेगा, मेहनत भी करनी पड़ेगी और बहुत छोटी उम्र से मेहनत करनी पड़ेगी। अभी तुम्हारा बच्चा स्कूलन में हाँ, तुम अगर सतर्क ना हो सो, अगर उन्होंने पढ़ाना के मारे तुम्हारी मन ना जाग से, तो ये भी ऐसे ही रह जाएगा जैसे यासु पहले रहेगा। बुरा कामन सुन निकलना पड़ेगा अगर कौम में आगे बढ़ना है। यह बात है, मैं तुम्हें बता दूं, हमारी कौम से ज्यादा मेहनती कौम कोई सी ना है, हमारी से ज्यादा वफादार कौम कोई सी भी ना है और बहादुर भी कोई सी भी ना है। हमने राजा महाराजा इनका घुटना टेक दिया, अब का डर भरो। पढ़ो लिखो, शिक्षा ही तुमसे सबसे बड़ा शस्त्र है जासे समाज में हम अपनी इज्जत प्राप्त कर सका। अब यही मुकाम को और पढ़ाई के लिए इस इलाके में मंत्री जी ने कई सौगात दी है। आप सब जानते हैं कावा में मंत्री जी के आने से पहले कोई कॉलेज नहीं था, उन्होंने कावा में दो कॉलेज खोले, एक एग्रीकल्चर कॉलेज खोला है, अल्पसंख्यक स्कूल खोले हैं, चाहे वो लड़कियों के लिए हो और फिर चाहे लड़कों के लिए। कावा पहाड़ी दोनों का जायजा ले, हर पंचायत में आपको प्राइमरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलेगा और उसमें अनेक ऐसे स्कूल हैं, कम से कम मंत्री जी को आंकड़े ढंग से पता होंगे, 50 स्कूल ऐसे हैं जिनको अंग्रेजी मीडियम किया गया है। आप बताइए कितनी बड़ी सौगात है हमारे इलाके के लिए। जब हमारे बच्चे बड़े होकर शहरों में जाके नौकरी कर पाएंगे, कंधे से कंधा मिला के चलेंगे, वो इसीलिए होगा क्योंकि आज ये नींव रखी गई थी कि आप सबन को अंग्रेजी में पढ़ाई हो, सिर्फ हिंदी में नहीं या सिर्फ उर्दू में नहीं। अगर हमें शहर में जाके नौकरी करनी है और आगे बढ़ना है तो हमें उन्हीं की जैसी भाषा भी बोलनी पड़ेगी। दूसरी बात, हमारे इलाके की सबसे बड़ी समस्या पानी की। पानी की समस्या को एड्रेस करने के लिए फिर से मंत्री जी ने चंबल की योजना का काम शुरू करवाया। आज की तारीख में आप खुद बताएं, पहाड़ी और गांव में चंबल का पानी आ रहा है नहीं आ रहा है? जहां अभी तक ना आयो वहां में भी लाइन बिछेगी और इंशाल्लाह वहां में भी पानी जरूर आएगा। अभी पिछले 5 साल हमारा नहा बीजेपी के टाइम पे, जगत सिंह आयो हो तमन ने भी पता है, जितने एक नीम हमने रखी जितने एक काम करने की कोशिश करी सब नष्ट करके गया है। वहां के बाद हमारी सरकार रोजू आई, वहां में भी 2 साल हमारा कोरोना काल में गया जहां में सरकार ने हमारे एक रुपया ना दियो बजट के हमारे। अपर फिर भी मंत्री जी तुम्हारे बीच में रही, कोरोना के टाइम पे भी बीच में रही, भूतेरी महामारी ऊपर वहां निडर खड़ी रही, तुम्हारा घर घर में मैंने सुविधा पहुंचाई, साबुन हो चाहे सैनिटाइजर हो चाहे दवाई हो, ऑक्सीजन प्लांट लगवाए हो तुम्हारा कामा में। कोई ऐसो विधायक या मंत्री ना है या प्रदेश में जो इतने मेहनत करे अपने इलाका के बारे, कोई भी ना है। यह बात है, मैं दवा से कह सकूं इन चंद लोगों के बहकावे में आके इस माहौल को खराब करने की कोशिश करें। अगर कोई मंत्री कोई विधायक है जो तुम्हारे समाज के लिए काम कर रहा है, तुम्हारे बच्चों के लिए काम कर रहा है, वो जायदा खान है।